हेलो वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब CSC BLE बांटेगा लोन, वो भी सिंपल चार स्टेप फॉलो करके अब CSC BLE भी लोन देगा। दोस्तों अभी तक आपने मिस्टर बिहारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी जरूर दबाना है हमारे लेटेस्ट वीडियो के पाने के लिए, और इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से लोन बांटेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ जो कि डॉक्टर दिनेश त्यागी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है। जैसा कि दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये डॉक्टर दिनेश त्यागी जी ने ये पोस्ट किया है, होम लोन मेड इजी ऑथराइज CSC। तो अब CSC BLE भी लोन देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि सिंपल चार स्टेप में लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले आपको जो है क्लिक योर द लिंक रिसीव, उसके बाद उसका डिटेल वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद पे द प्रोसेस फी, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद गेट द लोन अप्रूवल। यही चार स्टेप होने वाला है लोन लेने के लिए। और अभी जो है दोस्तों वो CSC से होम लोन के लिए अप्लाई हो रहा है, डिजिटल होम लोन अप्लाई हो रहा है। अभी आप CSC से होम लोन ले सकते हैं, और इसके बाद जो है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सारा का कैटेगरी जो है ऐड हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है होम लोन इससे एक्टिव हो गया, स्टार्ट हो गया है कि होम लोन अब मिलेगा। तो ताकि दोस्तों आप एक पोस्ट और देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंड कस्टमर फाइनेंस यहाँ पे लिखा हुआ इजी EMI ऑन द गो CSC। अब CSC से HDFC के माध्यम से अब लोन मिलेगा। अभी होम लोन स्टार्ट है, उसके बाद पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, ऑटो लोन सारा आपको मिलेगा CSC से। अब CSC BLE ही बांटेगा लोन। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोन डिपार्टमेंट में आ जाना है, इस URL पे आपको आके लॉगिन कर लेना, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा CSC ID के साथ लॉगिन करने के बाद। उसके बाद जो है आपको लोन प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। लोन प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सारा प्रोडक्ट जो है स्टार्ट होने वाला है CSC के माध्यम से, सारा प्रोडक्ट स्टार्ट होने वाला है। अभी जो है सिर्फ होम लोन स्टार्ट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको वो नोटिफिकेशन दिखाया था, अभी होम लोन स्टार्ट हुआ है। होम लोन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है जब तक कि आपका वेबसाइट जो है न्यू वेबसाइट ओपन ना हो जाए। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC लोन दे रही है, अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है और रिक्वायरमेंट चेक करना है डॉक्यूमेंट का, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या इसमें लोन का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, लोन लेने में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। और यहाँ से अगर आपको लोन लेना है तो आपको अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमर एलिजिबिलिटी फॉर्म आ गया है। तो आपको सबसे पहले नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और ब्रांच और पैन नंबर डाल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ चार स्टेप जैसे मैंने बताया था उसी तरह से चार स्टेप आपके आएगा, वो आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपका जो लोन अप्रूव होगा, उसके बाद आधा से एक घंटे के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बताइए कि कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।